चेन्नई सुपर किंग फिर से जीत चुकी है, दूसरा मैच लगातार जीतते हुए नजर आई चेन्नई सुपर किंग। 63 रनों से हरा दिया है गुजरात टाइटंस को। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, सूझबूझ भरी वाली पारी कप्तान से रचिन रविंद्र शो, और यार मतलब कमाल पावर हिटिंग देखने को मिली शिवम दुबे से। यार मतलब जब जब बंदा आता है अपने टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करके ही जाता है। तो हाइलाइट्स पे बात करने वाले हैं कैसा रहा ये पूरा मैच। तो टॉस जीते हैं कप्तान शुभमन गिल और पहले चुनते हैं फील्डिंग। आधी है चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग, एक तरफ से कप्तान अच्छी पारी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, धीरे धीरे रन बना रहे थे, और दूसरे तरफ से रचिन रविंद्र एक धुआंधार पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। छक्के चौके कमाल लगा रहे थे, 3 छक्के लगाते हैं, 6 चौके लगाते हैं और 46 रन बनाते हैं। उनका विकेट लेते हैं राशिद खान, उससे पहले यार मतलब कोई बॉलर्स उनका विकेट नहीं ले पा रहा था, फिर कप्तान लेके आते हैं राशिद खान को, और वो स्टंपिंग एक कमाल की स्टंपिंग देखने को मिलती है वृद्धिमान शाह से, और आउट होते हैं रचिन रविंद्र। अजिंक्य रहाणे आते हैं और वो 12 रन बनाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते हैं, और साई किशोर का शिकार बनते हैं और उनका विकेट भी शाह एक मतलब कमाल का स्टंपिंग करते हैं यार मतलब लाजवाब। अब बात कर लेते हैं कप्तान की, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी पारी खेल रहे थे, 46 रन बनाते हैं, 36 बॉल पे 5 चौका और 1 छक्का लगाते हैं, उनका भी विकेट आता है और बड़ा विकेट रहता है। जॉनसन उनका विकेट लेते हैं और शाह एक कमाल का कैच फिर से पकड़ते हैं। शिवम दुबे आते हैं, पावर हिटिंग दिखाते हैं और मतलब कमाल का बल्लेबाज है, जब जब आता है ना तो चेन्नई के मतलब येलो जर्सी में ना अलग ही लेवल का ये बंदा नज़र आता है। मतलब 5 छक्के लगाते हैं, 2 चौके लगाते हैं और 51 रन बनाते हैं और अपने टीम को एक अच्छी स्थिति में लेके जाते हैं। समीर रिजवी भी आते हैं आखिरी में और अच्छी पावर हिटिंग दिखाते हैं, 14 रन बनाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं कमाल के राशिद खान के ओवर में, यार मतलब कमाल कर देते हैं और वो शिकार बनते हैं मोहित शर्मा का। टीम बनाती है 206, फिर आती है पारी। अब बॉलर्स की बात क्या करें, बॉलर्स कुछ खास नहीं कर पाते हैं गुजरात के और महंगे महंगे साबित होते हैं सारे बॉलर्स। अब आती है फिर गुजरात की बैटिंग, गुजरात की बैटिंग की बात करें तो वृद्धिमान शाह एक अच्छी शुरुआत देते हैं, 4 चौके लगाते हैं, पिछले मैच के तरह यहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहे थे, और उससे पहले शुभमन गिल का विकेट आता है और LBW आउट हो जाते हैं। दीपक चहर एक कमाल का बॉल डालते हैं, स्लोअर वन कमाल का रहता है, बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं आती है, नीचे रह जाती है, पैड्स पे लगती है, LBW आउट हो जाते हैं। फिर आशा रहती है बात करें वृद्धिमान शाह से, वृद्धिमान शाह भी आउट हो जाते हैं पुल करने के चक्कर में, उनका विकेट आता है, 21 रन वो बनाते हैं, और उसके बाद में साई सुदर्शन भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते हैं, 37 उनका बनता है, विजय शंकर 12 बनाते हैं, और ऐसे करते करते मतलब पारी सिमट सी जाती है, 143 रन बना पाती है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग 63 रन से इस मैच को जीत लेती है। बॉलर्स कमाल की बॉलिंग करते हैं, दीपक चहर एक कमाल के बॉलर, 2 विकेट वो लेते हैं, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट लेते हैं, तुषार देशपांडे 2 विकेट लेते हैं, डैरल मिचेल 1 और पथिराना 1 विकेट लेते हैं। तो कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, कमाल की बॉलिंग देखने को मिले चेन्नई सुपर किंग्स से, लाजवाब पारी देखने को मिली गुजरात टाइटंस। पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 रन से ज़्यादा के मार्जिन से हारी है IPL हिस्ट्री में, तो मतलब सोचने वाली बात होगी अब कैसे आगे के मैचों में परफॉर्म करते हैं। कैप्टन शुभमन गिल उन पर थोड़ा दबाव होगा, मतलब ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब 30 रन से ज़्यादा से मार्जिन से वो पहली बार हारे हैं। इससे पहले 5 मैच हुए थे जिनमें से 3 मैच गुजरात जीता था, 2 CSK जीता था, अब 6 मैच हो चुके हैं और लेवल हो चुका है, मतलब 3 देखा जाए तो CSK और 3 गुजरात। तो यार मतलब सोचने वाली बात है और थोड़ा टेंशन वाली बात है गुजरात टाइटंस के लिए, कप्तान शुभमन गिल के लिए जो इस सीजन कप्तानी कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की। और कमाल की जीत देखी जाए तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से नज़र आ रही है, दूसरी बार इस सीज़न में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है, और मतलब जो जो टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है वो जीत रही है। तो चेन्नई सुपर किंग लगातार दूसरा मैच जीत चुकी है और अच्छे खासे बैटिंग बॉलिंग मतलब फील्डिंग सारे डिपार्टमेंट में कमाल कर रही है, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी।